ग्वालियर में सोमवार को 42 डिग्री सेल्सियस तापमान में हाईवे पर दौड़ती एक कार में अचानक आग लग गई। कुछ ही सेकंड में यह आग पूरी कार में फैल गई। कार चालक ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई है। बताया जा रहा है कि कार में आग के समय उसमें दो लोग सवार थे। अब यह कार किसकी है और कौन लोग उसमें सवार थे यह पता नहीं चल सका है। सोमवार सुबह 11:30 बजे आसमान से आग बरस रही थी। धूप के तेवर भी काफी सख्त थे। 11 बजे से ही तापमान 41.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। इसी समय झांसी रोड पर डबरा की ओर से आ रही एक मारुति कार के इंजन से अचानक धुआं निकलने लगा। चालक को समझ पाता उससे पहले ही हाईवे पर दौड़ती कार में आग भड़क गई। हवा के साथ आग इतनी तेजी से फैली कि चंद सेकंड में चालक के गेट को अपनी चपेट में ले लिया। कार चालक ने तत्काल ब्रेक लगाए और कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कुछ ही मिनट में पूरी कार जलकर राख हो गई। आग का पता चलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। अभी कार के पास कोई नहीं मिला है। पुलिस पड़ताल कर रही है कि कार किसके नाम पर और किसकी है, कहीं कोई इसमें घायल तो नहीं है।